بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ربنا ربنا اے ہمارے رب وابعث اور بھیج فیہم ان میں رسولا ایک رسول. ربنا وابعث فیہم رسولا اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول. منہم انہی میں سے یتلو کو تلاوت کرے علیہم ان پر آیاتی کا تیری آیتیں. ویعلمہم الکتاب اور وہ سکھائے ان کو کتاب. والحکمت اور حکمت. ویزکیہم اور پاک کرے ان کو. ویزکیہم اور پاک کرے ان کو. انکا بے شک تو انت العزیز تو ہی نہایت غالب ہے. الحکیم خوب حکمت والا. انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے. اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے اور یہ دعا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کے بعد جتنے بھی رسول دنیا میں آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل میں سے تھے، اولاد میں سے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام. پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو جاری کیا. آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ چکے ہیں کہ اللہ میری ذریت میں لوگوں کو امام بنانا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کی اولاد میں نبوت کو جاری کیا. آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، ان کی ذریت سے بہت سارے پیغمبر دنیا میں آئے. جتنے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے. یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آخری پیغمبر اس نبی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم نے پیغمبروں کی نافرمانیوں کی انتہا کر دی اور پیغمبروں کو شہید بھی کیا اور اللہ کے سچے دین کی جگہ پر اپنا من پسند بنایا ہوا دین اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نسل سے نبوت کو
महफूज फरमा दिया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह ताला ने नबूवत को जारी किया। आप इस लड़ी में पहले और आखिरी पैगंबर हैं, बल्कि आप पैगंबरों का खातिमा है और आखिरी पैगंबर है, खातमुन नबीयीन है और सबसे अफजल पैगंबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के घर बैतुल्लाह को बनाया, जैसा कि आपने कल पढ़ा था, तो इस मुबारक मौका पर अल्लाह के घरों को बनाना ये बहुत ही बरकत वाला मौका होता है, दुआ की कबूलियत वाला मौका होता है। अमूमन जब भी इंसान कोई अच्छी बेहतरीन नेकी करता है तो नेकी के बाद दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। नमाज इंसान पढ़ता है तो आपका फरमान है कि नमाज के बाद इंसान दुआ करे, ये कबूलियत का वक्त है। तशहुद भी नमाज का आखिर है, तो तशहुद में भी आपने फरमाया कि ज्यादा दुआएं करो तशहुद के अंदर, जो दुआएं करना चाहते हो तशहुद में दुआएं करो। और फिर तशहुद के बाद भी बहुत सारे अज़कार और दुआएं आपने सिखाई हैं, वो इंसान को पढ़नी चाहिए, जो कबूलियत का वक्त है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस कबूलियत के वक्त में दुआ फरमाई कि या इलाहल अलमीन, इन मक्का वालों में एक रसूल भेज, एक पैगंबर को मबूस फरमा जो पैगंबर इन्हीं में से हो, और इनको तेरी किताब पढ़कर सुनाए, इनको पाक और साफ करे, किताब की तालीम दे और हिम्मत की तालीम दे। तो जितनी बातें जितने जुमले इस दुआ की हैं, अल्लाह ताला ने एक एक जुमले को कबूल फरमा लिया। जब उन्होंने दुआ की उसी वक्त उनकी दुआ कबूल हो गई, लेकिन इस कबूलियत का इजहार को कमोबेश 3000 साल के बाद हुआ। यानी दुआ जब की तो कबूल हो गई, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के तकरीबन 3000 साल बाद दुनिया में अल्लाह उनको पैदा फरमाते हैं और फिर मबूस फरमाते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि कभी इंसान की दुआ की जो कबूलियत है उसके जाहिर होने का वक्त देर में होता है। अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है जब इंसान दुआ करता है, दुआ के लिए कोई रुकावट ना हो, जो इंसान खुद रुकावटें बना लेता है। अगर कोई दुआ की कबूलियत में हमारी तरफ से पैदा की हुई कोई रुकावट नहीं है तो अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है, लेकिन उस दुआ के जाहिर होने का वक्त बसा औकात सालों बाद होता है। जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कई हजार साल के बाद उसका जहूर हुआ और कबूलियत लोगों को नजर आई, तो दुआ फरमाते हैं रब्बाना, ए हमारे रब। ये दुआओं से पहले पैगंबरों का खास तौर पर अंदाज है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में भी ये अंदाज बहुत ज्यादा है, रब्बाना ए हमारे रब। और रब का माना आप जानते हैं, पैदा करने वाला, पालने वाला, परवरिश करने वाला और इंसान को रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला बादशाह इंसान का, ये सारे मानी रब्बाना के अंदर आ जाते हैं। तो गोया इंसान अल्लाह से अपने ताल्लुक को पहले जोड़ता है, कहते हैं अल्लाह तू मेरा रब है, तूने मुझे पैदा किया है, सब को तू ही देता है, जो कुछ अब तक दिया है वो भी तूने दिया है, तू ही बादशाह है और तुझी को मैं पुकारता हूँ और तुझी से मैं दुआ करता हूँ, ये दुआ जो मैं करने वाला हूँ ये भी तुझी से करता हूँ। तो ये दुआ की कबूलियत में अल्लाह ताला की हमदो सना करना, अल्लाह ताला की सिफात का जिक्र करना, ये दुआ की कबूलियत को और ज्यादा बढ़ा देता है, रब्बाना ए मेरे रब। और अगर हमें अल्लाह ताला के ज्यादा नाम और सिफते जो अरबी में है, कुरान पाक में है, वैसे तो आसान है, अल-गफूर, अर-रहीम, अर-रज़्ज़ाक, ये नाम अल्लाह ताला के, अल्लाह की सिफात हमें याद होनी चाहिए, लेकिन अगर बिलफर्ज इंसान को ये नाम और सिफात नहीं आती जब तक, तो इंसान अपनी जबान में भी यानी इस तरह के कलिमात कह सकता है कि अल्लाह तू मुझे पैदा करने वाला है, तू पालने वाला है, सब कुछ तू देने वाला है। इस तरह के अल्फाज कहने के बाद जब इंसान दुआ करता है तो दुआ अल्लाह ताला उसकी कबूल फरमा लेता है, रब्बाना वबअस, ए हमारे रब, वबअस तू भेज, मबूस फरमा, फीहिम, इनमें, इनसे मुराद यानी अरब के लोग, मक्का के लोग, इर्द-गिर्द के रहने वाले लोग, आप इनमें भेजे रसूलन, एक रसूल, एक पैगंबर भेजना,
मिन हम इन्हीं में से, वो पैगंबर इन्हीं की नस्ल में से हो, इन्हीं में से हो, किसी कौम में उसके अबाउ अजदाद हो, और पैगंबर जितने भी आते हैं अल्लाह ताला जिस कौम की तरफ पैगंबर को भेजता है उसी कौम का फर्द होता है, और उसका फायदा ये होता है कि लोगों को उस पैगंबर से एक तो वाकिफ होते हैं, उसकी सीरत को जानते हैं, और हर इंसान अगर कोई झूठा इंसान दावत अपना नबूवत का दावा करता है लोग उसके करदार को देखकर पहचान लेते हैं पैगंबर नहीं हो सकता। जिस तरह के हमारे इन इलाकों में हिंदुस्तान के अंदर मिर्जा अहमद कादियानी जो था उसने दावा किया, उसकी सीरत और करदार अगर इंसान पढ़ लेता है उसी से इंसान को पता चल जाता है कि इस तरह का इंसान पैगंबर नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला एक तो पैगंबरों को कौमों में से भेजते हैं ताकि लोगों को सीरत का इलम हो और लोगों को मालूम हो कि जो इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गलत नहीं करता, कभी वादा खिलाफी नहीं करता, जो लोगों के साथ गलत बात नहीं करता वो अल्लाह के बारे में गलत बात कैसे कह सकता है, और फिर उसकी बातें समझने का लोगों को आसानी होती है, लोग उसकी बातों को जबान एक होती है समझ लेता है। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को उन्हीं में से भेजा, आप उन्हीं के फर्द थे, लेकिन सबसे आला और सबसे बेहतरीन आप इंसान थे, ना सिर्फ इस कौम के बल्कि पूरी इंसानियत में आप सबसे आला और अफजल थे। फिर अल्लाह ताला ने जब इस कौम को समझ आ गई, जो आपकी कौम के लोग थे अरब थे, आपकी जबान को जानते थे, तो फिर इन अरबों ने सारी दुनिया को अल्लाह का दीन समझा दिया और पूरी दुनिया तक अल्लाह का दीन पहुंचा दिया। तो दुआ ये थी कि इलाहा अलामीन इन्हीं में से रसूल भेजना, कहीं और से नहीं कि रसूल और जगह से आए, बल्कि इन्हीं की नस्ल से एक रसूल भेजना। और रसूल क्या करेगा, पहला काम यत्रु अलैहिम आयाति का, वो तिलावत करेगा इन पर तेरी आयतें, सबसे पहले कुरान पाक सिखाएगा, मुसलमान का निसाब निसाबे तालीम सबसे पहली चीज कुरान पाक है, और कुरान पाक में सबसे पहली चीज सीखने वाली इसकी तिलावत को सीखना है, इंसान इसकी तिलावत को सीखे, इसको पढ़ना कैसे है, इसका तलफ्फुज कैसे है, तो अच्छे से अच्छे तरीके से और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक खूबसूरत आवाज में अच्छे तरीके से कुरान पाक को पढ़ना। तो ये पैगंबर इन पर तेरी आयात पढ़े ताकि लोग भी सीख ले, तेरे अहकाम उन पर पढ़े, तेरी आयात उन पर पढ़े, भाई अली मुहम्मद किताब, और पढ़ने से लोगों को समझ नहीं आएगी कि लोगों को कुरान पढ़ा दो और नबी करीम अलैहिस्सलाम तिलावत करते लोगों को समझ आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेशक लोग अरबी जानने वाले थे, पुराने पाक में बेशुमार चीजें ऐसी हैं कि आपके समझाने के बगैर वो समझ आ नहीं सकती थी। पुराने पाक में इतनी बातें नमाज पढ़ो या नमाज की कोई कोई चीज उसके अंदर रुकू होता है, सजदा होता है और क्याम होता है, इन चीजों का जिक्र है, बाकी कितनी नमाजें हैं, कब पढ़नी है, उनकी तरतीब क्या है, पहले रुकू होगा या पहले सजदा होगा, पहले क्याम होगा या पहले उसमें बैठना होगा, तो ये सारी चीजें आपने सिखाई है। तो कुरान पाक के नज़ूल के बाद आपने कुरान की तिलावत भी की है, लोगों को कुरान पाक आपने पढ़ाया भी है और कुरान पाक आपको सिखाया भी है। कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि इंसान कुरान पाक खुद ब खुद समझ सकता है, हदीस की जरूरत नहीं है, जब आप मौजूद थे तो आप खुद सहाबा को सिखा देते, सहाबा कहते कुरान पाक में कि जुल्म, जुल्म का क्या माना है हमें समझ नहीं आती, तो आपने फरमाया जुल्म का माना शिर्क है, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं इन्ना शिर्का लज़ुल्म अज़ीम, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि रोजे की इब्तिदा करो और फिर रोजा खाते पीते रहो जब तक सफेद धागा स्याह धागे से मुमताज ना हो जाए। सहाबा कई सहाबा को समझ नहीं आई कि धागों से क्या मुराद है, फिर आपने समझाया कि स्याह धागे से मुराद रात है और सफेद धागे से मुराद रात से सुबह का फजर का क्लू होना है, तो सहाबा इकराम जो अरबी जानते थे उनको भी आपके समझाने के बगैर नहीं समझाती थी, वो आपको पूछते थे कुरान पाक आप उनको सिखाते थे। तो आज कोई इंसान कहे कि हदीस की जरूरत नहीं है हम कुरान खुद ही समझ लेंगे, तो उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। और असल में ये लोग इसलिए ऐसा बहाना बनाते हैं कि कुरान पाक को सही समझने में हदीस वो इसका दायरा है, जब इंसान हदीस के मुताबिक जिस तरह आपने समझाया कुरान समझेगा
तो फिर इंसान आजाद नहीं होगा। हदीस के मुताबिक उसको समझना पड़ेगा कि नमाज है उसका क्या मतलब है, कैसे पढ़नी है। वो चाहते हैं कि आजादी हो, कोई आयत हमारे सामने आए हम अपनी आजादी से उसका माना करें, अपनी आजादी से उसका मफहूम बयान करें, ताकि हमारी जान जो है ना ये जो दीन के अंदर इबादात है, दीन के अंदर मसाइल है, उनमें हम आजाद हो जाए, जो हमारे दिल में आए तफसीर करें। तो अल्लाह फरमाते हैं वो पैगंबर दुआ की कि वो पैगंबर ऐसे भी पढ़ेगा और इनको किताब खुद सिखाएगा, फिर इनको समझाएगी और किताब के साथ हिकमत भी सिखाएगा। और ये हिकमत क्या है, कुरान पाक की तफसीर, हदीस, हदीस जो है वो हिकमत है, दनाई है, दनाई की बातें कुरान पाक भी सिखाएगा। इसके अलावा दीगर दनाई की बातें और हिकमत की बातें जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरामीन होंगे वो भी सिखाएगा। वायुज़क्कीहिम, और सिखाने के साथ साथ उनकी तरबियत करेगा और उन्हें पाक करेगा। एक सिखाना होता है नमाज का ये तरीका है, और फिर एक नमाज का आदी बनाना और नमाज में ये चीजें सिखाना कि नमाज क्यों पढ़ते हैं, ध्यान कहाँ होना चाहिए, अल्लाह ताला के साथ किस तरह का ताल्लुक होना चाहिए। ये तज़किया है सहाबा इकराम और अपनी उम्मत को। आप कुरान सिखाएंगे भी और फिर उनकी तरबियत करेंगे, उनको पाक और साफ करेंगे और उन चीजों से भी उनको हटाएंगे जो इंसान की नापाकी का सबब बनता है। खाने पीने में शराब है, इसी तरह और जो चीजें हैं जुआ उसके अंदर आता है, इनसे पाक करेगा। और जो बुरे अकायद है पैगंबर उन्हें कुरान बताएगा, सिखाएगा और बताएगा कि ये शिर्क ये नजर चीज है, पलीद चीज है, झूठ बोलना ये नजर चीज है, इस तरह उनको पाक भी करेगा। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, ऐ इलाहुल आलमीन तू नहायत गालिब है, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि मेरी दुआ को कबूल फरमा कर, उसी तरह फरमा दे जिस तरह मैंने दुआ की है। इन अरबों के अंदर एक रसूल भेज दे। इन्नका अंतल अजीज, बेशक तू बड़ा गालिब है, अल हकीम खूब हिकमत वाला है, अपने हर काम में अपने फैसले में हिकमत वाला है। तो आखिर में कहा इन्नका अंतल अजीज, अल्लाह तू गालिब है। इस तरह की बातें भी दुआ में होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मैं कमजोर हूँ, मुझे तो नजर नहीं आता कि मैं इतना बड़ा काम कर सकूं, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ इलाहुल आलमीन तू कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि मैं हज पे जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन तू कर सकता है। अल्लाह मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास तो वसायल नहीं है लेकिन अल्लाह मैं अपने वसायल की बात तो कर नहीं रहा, मैं तो तुमसे मांग रहा हूँ और तुमसे कह रहा हूँ। तो इस तरह की बातें भी इंसान को बेशक अपनी जुबान के अंदर इंसान करे। जिस तरह एक बेटा वो अपने बाप से, औलाद अपने बाप से, एक छोटा बड़े से वो चिमट कर दुआएं करता है, मांगता है, इस तरह दुआ का अंदाज होगा तो दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते, जल्द कबूल फरमाते।